आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर, बीजेपी से आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बाहर। दिल्ली में बिजली लगी चुनावी विषाद, केजरीवाल ने की 200 यूनिट बिजली फ्री। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आपके द्वार, घर घर जाकर समस्याएं सुनेगी सरकार। बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा, कांग्रेस ने की मुझे खरीदने की कोशिश, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं। और एमपी में सड़कों पर गुंडों का आतंक, सरेआम युवक को बांधकर सड़क पर घसीटा, पेड़ से बांधकर पीटा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव रेप केस पर सख्त रुख अपनाते हुए इससे जुड़े सभी मामलों को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़िता के एक्सीडेंट की जांच सीबीआई एक हफ्ते में पूरी करे। इधर उन्नाव दुष्कर्म केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया है। पीड़िता की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्नाव रेप केस और पीड़िता के साथ एक्सीडेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दो बार सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी केस लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़िता के एक्सीडेंट की जांच सीबीआई एक हफ्ते में पूरी करे। सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने सीबीआई अफसर को पेश होने को कहा, साथ ही पूरी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा, जिसके बाद सीबीआई अफसर के सामने अदालत ने एक्सीडेंट की जांच को 7 दिन के अंदर पूरा करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साथ ही आदेश दिया कि लखनऊ में इस मामले से जुड़े जितने भी केस चल रहे हैं उन्हें दिल्ली की अदालत में शिफ्ट किया जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने पीड़िता की चिट्ठी का समय पर ना मिलने पर सख्ती दिखाई। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि पीआईएल के सेक्शन में पीड़िता की चिट्ठी क्यों नहीं आई, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि हर महीने रजिस्ट्रार के पास 6,000 से अधिक चिट्ठी आती हैं, इस महीने 6800 चिट्ठियां आई थी। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि पीड़िता को मुआवजा भी देना चाहिए, जिस पर जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को इसका आदेश देंगे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने सलाह दी कि इस मामले में अदालत को ही मुआवजा देना चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। इधर उन्नाव दुष्कर्म केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी से निकाल दिया है। कुलदीप के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज है और उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के कार दुर्घटना में घायल होने के बाद सीबीआई ने भी सेंगर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा ने इस मामले में बुधवार को ही साफ कर दिया था कि सेंगर को काफी समय पहले ही सस्पेंड कर दिया जा चुका है। इसके बाद अब खबर है कि सेंगर को पार्टी ने निकाल दिया है। सेंगर 2017 में सपा से भाजपा में आए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में बंगरमऊ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 4 जून 2017 को उन्नाव में दुष्कर्म की घटना के बाद कुलदीप सिंह सेंगर निशाने पर आए। इसके बाद जब इस मामले की जांच जारी थी तब अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद मामला 12 अप्रैल 2018 को सीबीआई को सौंपा गया था। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, और अगर 200 यूनिट से ऊपर खर्च करते हैं तो उपभोक्ता को पहले की तरह पूरा बिल देना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, अगर 200 यूनिट से ऊपर खर्च करते हैं तो पूरा बिल देना होगा। इस छूट से सब्सिडी पर लगभग 1800 करोड़ का खर्चा आएगा। केजरीवाल ने कहा कि 2013 से पहले 200 यूनिट के लिए 900 रुपए देना पड़ता था, अब 200 यूनिट के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली कंपनियों का घाटा 17% से घटकर 8% पर आ गया है। उन्होंने कहा यह घोषणा इसीलिए संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों एक ईमानदार सरकार को चुना है। दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक
जो जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ़। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार में दिल्ली में बिजली सस्ती हुई, हमने बिजली के हालात बदले। पहले बिजली कंपनी की हालात खराब थे लेकिन हमने बिजली महंगी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि पहले रेट अनाप शनाप बढ़ते थे, ब्लैकआउट के हालात थे, लोग बिजली के तारों से परेशान थे, पावर कट खूब लगते थे, लेकिन हमारी कड़ी मेहनत और साफ नीयत के कारण बिजली के बिलों में भारी गिरावट आई है। आतंकवादियों के समर्थन में अब तक कुछ कश्मीरी पत्थरबाजी करते नजर आते थे, अब नक्सलवाद के समर्थक भी सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी करते नजर आए हैं। एक नक्सली की मौत के बाद भद्राद्री कोठीगुड़म के जंगल में एक पत्थरबाजी हुई है। अब तक आपने कश्मीर में फोर्स के जवानों पर लोगों को पत्थर बरसाते देखा होगा, अब यह नजारा नक्सलियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में भी दिखने लगा है। तेलंगाना में आज सुबह हुई सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में इसमें न्यू डेमोक्रेसी दलम का नया सदस्य मारा गया, जिसके बाद पुलिस शव को ले जाने लगी तो विरोध में ग्रामीण सीआरपीएफ पर पथराव करने लगे। बचाव में सीआरपीएफ ने भी दो राउंड हवाई फायर किया, जिसके बाद ग्रामीण जवानों पर टूट पड़े और जवानों को पत्थरबाजी से बचने के लिए भागना पड़ा। इसमें दो जवान बुरी तरह घायल हो गए। यह घटना गुंडला जोन में हुई। बाद में पुलिस ने नक्सली के शव को ग्रामीणों से अपने कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बिल के समर्थन में जब से दो भाजपा विधायकों ने कमलनाथ सरकार के समर्थन में वोट किया है, तब से ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच शोयपुर से भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भाजपा छोड़ने के लिए पैसों का लालच दिया है, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोगों ने मुझे संपर्क साधा और कहा कि वो मुझे जो चाहे वो देंगे, लेकिन मैंने साफ कर दिया है कि मैं आदिवासी और गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में अपराध कानून संशोधन बिल 2019 पर विधानसभा में मत विभाजन की नौबत आ गई थी। वोटिंग के दौरान भाजपा के दो विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समर्थन में वोट दिया था। इसके बाद दोनों ही कांग्रेस में शामिल होने की बात कही गई थी। उसी समय बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी को प्रलोभन दिया गया था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, पैसा की भी कह रहे हैं, वे लालच भी दे रहे हैं मुझे, पर मैं आने वाला नहीं हूँ। सीताराम आदिवासी हूँ, हम वनवासी है, इसलिए आज दिन तक हमने धोखा नहीं दिया है। और जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं वे गद्दार है लोग, पार्टी कभी धोखा नहीं देना चाहिए। पैसा हमें कोई लालच नहीं है, मैं गरीब आसामी हूँ, चाहे गरीब हूँ मैं, शहर हूँ, पैसा का लालच में मैं नहीं आऊंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, अब सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी। उन्होंने कहा, कई बीजेपी विधायक कांग्रेस में आने के लिए बाउंड्री पर है, उनका स्वागत है। विधि और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जो भी बीजेपी के विधायक कांग्रेस में आना चाहे उनका पार्टी में स्वागत है। कई विधायक बाउंड्री पर हैं जो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर पीसी शर्मा ने कहा, कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका तुरंत निदान भी किया जाएगा। कमलनाथ सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी का डिसीजन है कि लोग आए सरकार के पास, ये आम जन आए सरकार के पास, ये समाप्त हो और सरकार खुद जाए वहाँ पर, कैंप लगे, उनकी जो भी समस्याएं हैं, किसी तरह की भी समस्या, उसका निराकरण, उसका हल ऑन द स्पॉट होना चाहिए। इससे जितने भी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। एमपी के कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि पिछले 15 साल से शासन में बीजेपी सरकार ने हर विभाग हर योजना में घोटाला किया है, जिसकी अब विस्तृत जांच करवाई जाएगी। कृषि मंत्री सचिन यादव की माने तो मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में कई घोटाले हुए हैं। सचिन यादव का कहना है कि कृषि विभाग में ही 15 सालों में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। भाजपा ने 15 वर्षों में हर विभाग एवं हर योजना में घोटाला या गड़बड़ी की है। पूर्व में जो घोटाला हुआ है उनकी हम विस्तृत जाँच करवा कर दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करेंगे। पिछले 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है,
इस कार्यकाल में कोई भी ऐसा विभाग, कोई भी ऐसी जगह ना छोड़ नहीं छोड़ी इन लोगों ने जहाँ पर इन्होंने घोटाला या गड़बड़ी नहीं करी हो। और जैसे जैसे हमारी सरकार आगे बढ़ती जा रही है, हमारी सरकार में जो जो पूर्व में जो जो घोटाले हुए हैं उसकी परतें जैसे जैसे हमारे सामने आ रही हैं, हम उसको संज्ञान में लेकर के उसकी विस्तृत जाँच करा रहे हैं और करवा करके हम लोग जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा देने का काम कर सकते हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, ये खबर सिर्फ आपके लिए है। मध्य प्रदेश में वक्त बदला और सत्ता बदल गई, लेकिन इस दौरान गुंडे बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि गुंडों ने सरेआम फिल्मी अंदाज में एक युवक के पैरों में रस्सी बांधकर उसे सड़क पर घसीटा, और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया। आपके सिस्टम और पुलिस का ऐसे लोगों में कोई खौफ नहीं। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, जनता ने इस बदलाव के लिए तो आपको कतई नहीं चुना है, अगर ये बदलाव है तो बड़ा ही बेरहम है। रुपए के लेन देन को लेकर बुधवार की शाम उज्जैन रोड स्थित इटावा में एक युवक के साथ कुछ गुंडों ने जमकर मारपीट की। देख लीजिए इन तस्वीरों को। एक युवक को रस्सी से बांध कर सरेआम सड़क पर घसीटा जा रहा है। आपकी पुलिस को इस गुंडागर्दी की भनक तक नहीं लगी। लोग भी आदतन तमाशबीन बने रहे। खबर है कि राजेंद्र का इन गुंडों से पैसों को लेकर लेन देन था। हालांकि राजेंद्र किसी भी किस्म के लेन देन से मना कर रहा है। बहरहाल लोगों में टेरर पैदा करने के लिए इन गुंडों ने राजेंद्र को सड़क पर घसीटा और फिर सड़क किनारे लगे एक पेड़ से बांध कर उसकी जमकर पिटाई लगा दी। कुछ जागरूक लोगों ने पुलिस को इस गुंडागर्दी की सूचना दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची और गुंडों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की। जैसे तैसे इस युवक को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। नहीं नहीं, कोई घटना घटना नहीं बता रहा, वो तो चाकू ने उनके पास से मेरे पास रखा, वहाँ पर बंदा हुआ था, मैं मेरे पास वहाँ गोद में रखा हमने। बस इनका क्या है, जबरदस्ती मेरे से पैसे मांगते, कहा कि पैसे मेरे कोई लेन देन नहीं, अभी मैं दुकान पर सामान देने जा रहा था, मेरे पास पैसे रखे तो पैसे भी छीन लिए उन्होंने मेरे साथ, मारपीट करी मेरे साथ, मेरे पास करीब 1,00,000। पहले भी इन्हें पैसे जो जान से मारने की धमकी थी, मैंने पहले भी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी थी, इनके थाने पे भी गया था। एक बार मेरे साथ आरके बिन ने मारपीट करी थी, रतन के छोरे उनने जा रहे वाले उन्होंने, तो उस टाइम पे मैं थाने पे गया था। फिर वो पवार साहब, हेड साहब ने अपने पवार साहब जो है टू स्टार उनने बुलाया, उसको रात के 12 बजे मेरा मोबाइल वगैरह सब दिलवाया था हमने। आज मैं घर से निकल के आ रहा था, मैं मार्केट जा रहा था, उस टाइम पे इन्हें वहाँ पे प्लान बना कर गया, मालूम कब से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जैसे निकला इन्हें मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। हाँ, वहाँ से रोड पे राम सिंह के घर के मारपीट करी, वहाँ से मेरा बैग तोड़ दिया, और चाकू मेरे को ने उनके चाकू लगा और वहाँ से मेरे को बांध के रोड पे घसते हुए लाए, फिर आके यहाँ पे झाड़ से बांध के मेरे को वहाँ मारा इन्हें। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सारा घटनाक्रम पुलिस चौकी के पास का है। आपकी पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन एक भी बदमाश को पकड़ नहीं पाई। सारे गुंडे पुलिस को अंगूठा दिखाकर चलते बने।
घटना के बाद रात में भारी पुलिस बल ने इन गुंडों के घरों पर दबिश दी और इन्हें पकड़कर इनका जुलूस निकाला। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ प्राणघातक हमले बलवा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। ये फरियादी राजेंद्र पिता विक्रम सिंह राजपूत निवासी त्रिलोक नगर के साथ राम सिंह और उसके लड़के एवं अन्य 10-12 साथियों के द्वारा पैसे के लेन देन को बात को लेकर झगड़ा किया गया इटावा में। उस पर से उसको मारते मारते रस्सी से बांधने का प्रयास किया गया। इस बात को लेकर 307 और बलवे का प्रकरण थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है। आरोपी गणों की तलाश में डीनी और कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया। घटना की जानकारी जब सभी को हो गई तब CSP अनिल सिंह जिला अस्पताल पहुंचे व घायल राजेंद्र से जानकारी ली। राजेंद्र के एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उसे कई चोटें लगी हैं। इन गुंडों का इलाके में आतंक है। राजेंद्र को सड़क पर घसीटने और पेड़ से बांधकर मारने के बाद गुंडों ने राजेंद्र की जेब में चाकू रखकर उसे फंसाने की कोशिश की। बाला बच्चन जी, अगर ये बदलाव है तो जनता आपसे भर पाई, आप कुछ ऐसा बदलाव कीजिए कि गुंडे बदमाश सर उठाने की हिमाकत भी ना कर सके। कई बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम दे चुकी महिला नक्सली दाती भीमे को CRPF ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके द्वारा की गई वारदातों में कई जवान शहीद हुए हैं। सुकमा जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात CRPF को एक बड़ी सफलता मिली है। CRPF और बस्तरिया बटालियन की महिला पलाटून ने PLGA की टीम की सदस्य ताती भीमे को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये महिला नक्सली 2012 से नक्सली संगठन में जुड़कर कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। इसके द्वारा की गई वारदात में पिटमेल में 7 STF के जवान शहीद हुए थे। गचनपल्ली में इसके हमले में एक कोबरा जवान शहीद हुआ था। ताती भीमे नक्सली कमांडर पड़ापू की टीम में सक्रिय थी। इसे बीमार होने पर खुद नक्सली कमांडर ताती भीमे को घर छोड़ा था ताकि वे इलाज करा सके। CRPF 74वीं वाहिनी के कमांडेंट प्रवीण कुमार को इसकी भनक लगी तो उन्होंने प्लान बनाकर इसे गिरफ्तार करवाया। CRPF ने मानवता दिखाते हुए पहले महिला नक्सली का उपचार किया। वाकई में एक बड़ी सफलता है क्योंकि ताटी भीमे जो कि लगभग 25 उम्र साल की उम्र की है, अभी एक्टिव PLGA मेंबर है और 2012 से संगठन से जुड़ी हुई है। हमें खबर मिलने के ऊपर हमने कार्रवाई करी और एक अच्छी बात यह रही कि हमारे साथ में बस्तरिया बटालियन की जो महिला प्लाटून है उसका हमें योगदान मिला, क्योंकि महिला होने के नाते हम सीधे उसके ऊपर नहीं कार्रवाई कर सकते थे। तो हमारे साथ में जो बस्तरिया बटालियन की प्लाटून है वो भी गई और उनके सहयोग से हमने इसको घर दबोचा और ये अच्छा है। ये कई मामलों में भी संलग्न रही है और कई बड़े वारदातों में इसका योगदान रहा है नक्सलियों की तरफ से। भोपाल में नशे के कारोबार की कमर तोड़ने के इरादे से भोपाल पुलिस ने देर रात बुधवार चौक इलाके में छापामार कार्रवाई की। पूरे भोपाल में इसी इलाके से मादक पदार्थों की सप्लाई होती है, ऐसे में इस नशे के काले कारोबार को ध्वस्त करने के इरादे से आला पुलिस अफसरों ने 250 पुलिस कर्मियों की स्पेशल टीम के साथ कई घरों में दबिश दी। इस दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में घर के भीतर गड्ढों में छुपाकर रखा मादक पदार्थ मिला। नशे के कारोबार से लाखों के बारे न्यारे कर रहे लोग इतने शातिर थे कि घर में उन्होंने गड्ढे बनाकर मादक पदार्थ छुपा रखे थे। ऐसे में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। छापे के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। वही पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। भोपाल का ये इलाका ऐसा था कि यहाँ जाने में पुलिस भी घबराती थी, क्योंकि नशे के इस कारोबार में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे में मौका पड़ने पर वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकती। इसीलिए एक रणनीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नशे के कारोबारियों के इन घरों में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पेट्रोल की चोरी कर रहे चोरों को जरा भी डर नहीं कि यह पेट्रोल इनकी जान ले सकता है। बेखौफ और बेपरवाह ये चोर रात का इंतजार करते हैं और फिर अंधेरे में शुरू होता है इन पेट्रोल चोरों का काम। रेलवे स्टेशन पर रेलवे के पेट्रोल वैगन से पेट्रोल चोरी का यह काम रोज का है और ये आदतन चोर चोरी के पेट्रोल के लिए स्वच्छता अभियान के तहत डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल छुपा कर रेलवे स्टेशन पर ही रखते हैं। ये चोर या सोता हुआ प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है।
जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे के शाहपुरा भिटौनी रेलवे स्टेशन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चोर इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही इस बात का इल्म है कि उनकी इस हरकत के कारण कई मासूमों की जान जा सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ के हाल। इन तस्वीरों के सामने आने से जो खुलासा हुआ है उससे RPF और GRPF भी सकते में है। यहाँ पर रात होने के साथ ही चोर हावी नजर आते हैं और ये चोर जो पेट्रोल चोरी के काले कारोबार में जुड़े हुए हैं, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल को लेकर जो ट्रेन आती है उससे बचे हुए पेट्रोल की चोरी करते हैं और उसके बाद स्टेशन परिसर में ही पेट्रोल को छुपा कर रखा जाता है और मौके का इंतजार करते हैं, फिर सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से पेट्रोल लेकर बाहर निकल जाते हैं। रात को 2 बजे स्टेशन में जब चोरों ने मीडिया को देखा तो यहाँ पर हड़कंप मच गया। स्टेशन परिसर में रखे कंटेनर में पेट्रोल भरा हुआ था जो काफी मात्रा में था। इसकी जानकारी हमारे संवाददाता द्वारा यहाँ पर तैनात उप स्टेशन मैनेजर को दी गई, लेकिन वह सब बातों से बचते हुए अनजान बने रहे। RPF और GRP का कोई अता पता नहीं था। काफी देर तक हमारे संवाददाता उनका इंतजार करते रहे लेकिन वो वापस नहीं आए। रेलवे की ड्यूटी है, बराबर निगरानी करते हैं। नहीं, इस चीज ज्वलनशील है, खतरनाक चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के लगाए गए बाद में रहेंगे। रेलवे स्टेशन में रखा हुआ ये पेट्रोल कितना घातक हो सकता है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। सुरक्षा यहाँ पर कितनी कमजोर है कि चोरी किया हुआ माल यहीं पर रखा जाता है, फिर आराम से लेकर चोर निकल जाते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस चोरी के खेल में यहाँ का सुरक्षा अमला भी मिला हुआ है जो कमीशन लेकर इन चोरों को यहाँ पर बढ़ावा देता है। अब ये तस्वीरें देखने के बाद हमें इंतजार है कि रेलवे के आला अधिकारी इन चोरों पर किस तरह से अंकुश लगाते हैं और कैसे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की जाती है। बेखौफ एक दुकानदार जिसे पुलिस का कोई डर नहीं है, एक युवक पर धारदार हथियार से बार बार वार कर रहा है क्योंकि उस युवक ने दुकानदार से सौदा लेने को मना कर दिया, जो दुकानदार को नागवारा गुजरा और धारदार हथियार से उस युवक पर कई वार करके भाग गया। छतरपुर में बड़ी ही बेरहमी से युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक को पीटते हुए उसकी पीठ पर धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बकायन मार्ग की है जहां दीपक नाम के युवक को एक दुकानदार धारदार हथियार से हमला करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित का कसूर महज इतना था कि कलीम खान नाम के आरोपी की दुकान से खरीदारी करने से मना कर दिया था, फिर दुकानदार धारदार हथियार से पीड़ित पर हमला करने लगा और मौका लगते ही फरार हो गया। दुकानदार की क्रूरता का यह वीडियो वायरल हो गया है। घटना में युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। अरे हम एजेंसी जा रहे थे सुबह, हम उसकी दुकान से सामान वामान लिए थे, वो हमसे चैट था, एजेंसी जा रही थी, पीछे पकड़ के मारा, चाकू की धमकी थी, मर्डर की धमकी थी, अगर पुलिस को रिपोर्ट करोगे तो मर्डर कर देंगे। कलीम खान चाकू पीछे पेट में चोट है 4। देखा पुलिस में थाने में शिकायत की, उसने पैसे भर दिए, वो कहाँ से सुनवाई करेगा। कोतवाली क्षेत्र घटना है, इसमें पकड़ पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई की जा रही है। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर राजनीति हावी हो रही है। एक तरफ डेवलपमेंट की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ काम जमीनी स्तर पर आता है तो भ्रष्टाचार की कहानी सामने आने लगती है। सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन कारणों से शहर का डेवलपमेंट जरूर रुक जाता है। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर भारत माता चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, मगर सड़क के चौड़ीकरण पर कांग्रेस पार्षद शाबिस्ता आसिफ जकी ने आपत्ति जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सड़क के चौड़ीकरण पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि महापौर आलोक शर्मा और अधिकारियों ने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, स्मार्ट सड़क सिर्फ कागजों में ही दर्ज है। उन्होंने सड़क के टेंडर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लगभग 31 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था लेकिन ठेकेदार का भुगतान बिल 32 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को थमाया गया है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके चलते पूरे मामले की शिकायत EOW में की गई है और जाँच की मांग भी की गई है। जो आलोक शर्मा जी, ये हमारे क्षेत्रीय पूर्व विधायक
जो हार चुके हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार से मांग करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जितने दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि उनको तो अभी 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है, तो उसके अंदर ऐसा भ्रष्टाचार ना हो, उनको ये सबक मिले कि अगर हम कहीं पर भी ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे तो उसके खमियाजा भुगतना पड़ेगा। विकास कार्यों में ढिलाई और अनदेखी से परेशान भाजपाई पार्षदों ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है, झांझ मजीरे ढोल के थाप पर बजाए और सीधा आरोप लगाया कि जब से सरकार बदली है तब से सारे काम या तो अधूरे पड़े हैं या फिर शुरू ही नहीं हुए हैं। भले ही महापौर भाजपा से हो मगर नगर निगम आयुक्त नहीं सुनती है। देवास नगर निगम में जब से निगम सभापति ने पदभार ग्रहण किया है तब से लेकर अब तक भाजपाई पार्षद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी निगम प्रांगण में भाजपाई पार्षदों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और एक अनोखा तरीका अपनाया, झांझ मजीरे ढोल की थाप पर बजाए। पार्षदों का कहना है कि निगम आयुक्त इनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कर रही हैं, साथ ही निगम आयुक्त संजना जैन कांग्रेस के राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही है, जबकि वर्तमान में भाजपा की ही परिषद व महापौर है। सरकार का परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें तो उस दिन भी हम चाहते थे कि हमसे मैडम बात करें, हमारा ज्ञापन ले, हमारी समस्या सुन ले। हम तो उस दिन भी यही चाहते थे क्योंकि हम शहर के, हमें शहर के विकास की चिंता और पब्लिक के विकास की चिंता है। देखिए, उसकी स्थिति के कारण कुछ ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुए, इस कारण कार्यों में भी कुछ रुकावट आ रही है। इस संबंध में माननीय मैडम के साथ और माननीय अपने जो पार्षद दल है इनके साथ वो अभी चर्चा होने के पश्चात इन चीजों का निराकरण हो जाएगा और फिर सब सुचारू। आज तो इनके द्वारा बताने के बाद ही बैठे हैं, कुछ काम चाह रहे हैं। बारिश का मौसम है, कुछ कीचड़ की समस्या है, कुछ मुहर्रम की समस्या है, उनके लिए मांग कर रहे हैं तो उसका निराकरण भी कर दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.